अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में, और हमने माइनक्राफ्ट का नया वर्ल्ड क्रिएट किया है क्योंकि मेरा पिछला वाला वर्ल्ड मैं जो हम लोग को 8 कमांड ब्लॉक्स मिले थे ना, तो उससे मैं मतलब क्रिएट कर रहा था चीज़ें। तो फिर क्या हुआ कि लाइट गई, मैंने BS खोला और वो दिखाया था कलेक्टेड डेटा, मैंने ओके कर दिया कैंसिल करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने नया वर्ल्ड बनाया जो कि मैंने क्रिएटिव में किया था क्योंकि मुझे क्रिएटिव में करना पड़ गया। एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग ऑन कर लेता हूँ, इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं तो बस क्लिक कर दिया। तो एक्चुअली ना हाँ, तो करप्ट डेटा हो गया था तो फिर मुझे ये वर्ल्ड क्रिएटिव में करना पड़ेगा क्योंकि यार उस वर्ल्ड में मैंने बहुत कुछ किया था। तो हाँ, ये बीकन विदर ये सब नेदर स्टार आज हम लोग ये सब करने वाले हैं, करने वाले हैं क्या? हाँ आज चलो नेदर से चलते हैं। अबे भाई हाँ निकल निकल पहली फुर्सत में। हाय यार ये एंशिएंट डेब्रीज और ये सब लगा रखा है मैंने यहाँ पे। अबे भाई 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 मार रहा तो अलग ही लेवल है एंटम भाई। तो ये घर है मेरा बहुत तगड़ा, मैंने सारा क्रिएटिव बनाया लेकिन अपनी पूरी फुल क्रिएटिविटी दिखाई, क्रिएटिविटी दिखाई है मैंने। और यहाँ ऊपर देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स लगाए हैं मैंने ग्लास के, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पूरा मैग्मा से है ये अंदर, चलो सो जाओ। जो सामान एन्चेंटेड आप लोग को दिख रहा है मैंने एन्चेंटमेंट टेबल से किया है, एन्चेंटमेंट टेबल का दिखा दो उनको। ओ ओ ओ मेरी शक्ल काम गई भाई सी, वो खत्म है एकदम खत्म, बहुत फास्ट है इसमें एफिशिएंसी 3 लगी है। हाँ ये डायमंड फार्म है गाइस, तो दिखाता हूँ वहाँ पर। हाँ तो यहाँ से एन्चेंट किया था ये दिखाता हूँ आपको, और रिपेयर कहाँ से करना है ये दिखाता हूँ। ये हमारा किचन है टाइप ऑफ सामान ही नहीं है वो करने को, तो मैं फिर आयरन काम से आयरन मुझे लगा ही जागे रहूंगा बहुत गंदी सा। तो ये करना हो गया, वो मतलब पूरा कलर अपडेट हो गया था तो ये करना पड़ गया। और डायमंड फार्म से बनाया मैंने ये अपना आयरन का काम बहुत छोटा सा है, सॉरी एंशिएंट डेब्रिस से वो आयरन है। हाँ इसको थोड़ा सा चेंज करना है, मैं करता हूँ अभी। और ये है अपना एवरेज का काम, ये देखो 1 2 3 भाई मेरी एक्सपीरियंस देख रहे हो फुल एक्सपी भाई यार, एमरजेंसी अपने पास कमी नहीं है गाइस, लोग को शायद पता चल गया होगा मेरे पास एमरल्ड्स की बिल्कुल कमी नहीं है। अब ओके अब ये एंडर पर यूज कर लो। अरे 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 चलो बस हो गया, इसको भी क्या करना, छोड़ो यार फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये भाई बहुत फास्ट पिकैक्स है भाई, प्रॉपर से डायरेक्ट भाई, अपने पास कमी नहीं है भाई, कमी नहीं है सिंपल सा काम करना है। आर्मर अपने पास फुल डायमंड है, सामान डायमंड में चेंज करना है। ये गधी बच यहाँ पे कहाँ से आई है, ये बहुत मारेगी हम लोग, उससे पहले बच गए हम लोग भाई। मैंने इसमें सिल्टा सामान लगाया था ऑटोमेटिकली स्माइट लग गई, लेकिन 3 शॉट 4 शॉट 5 शॉट गई खत्म, साउंड खत्म। खाली कमेंटर स्पाइडर आई, किस खुशी में मैंने ये खाई है मुझे नहीं पता, पर किसी ने किसी खुशी में तो खाई होगी। तो यार मुझे लगा था रिकॉर्ड हो रहा है भाई, लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो मैं बताता हूँ
मतलब का थोड़ा सा चेंज करना था सीन, तो वो कर दिया। अब देखो हमारे पास ब्लॉक आएंगे आयरन के डायरेक्ट, तब तक जो फालतू का सामान है वो हटा दो यार कुछ ना कुछ करके। तो एक गड्ढा था जो क्रीपर ने फोड़ा था, उसे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे फिल कर दिया है, यहाँ पे बर्बाद कर डर्ट है कहीं बर्बाद हुई, हर जगह डर्टी डर्ट होती है नेदर को छोड़ के। लगा दो ऐसे लगा दो, हाँ चलो खत्म हो गई। भाई मैंने अपनी ये शवल भाई बहुत तेज है, बस ग्रास ब्लॉक इतने अच्छे से नहीं लगा। और भाई मैंने इस पर शिल्टर्स लगाए, इस पर भाई स्माइट 5 भी लग गई। वाह क्या ही सीन है भाई, इंसेंट डेब्रिस इतना यूज नहीं, मतलब अभी नहीं है यार। इंसेंट डेब्रिस बहुत अच्छा होता है, ये गलत है कि हम लोग उसका टूल्स स्टार्टिंग से नहीं बना सकते, मतलब उसके इंगट से नहीं बना सकते, हमें उसको अपग्रेड करना होता है। बस भाई इतना बहुत है, लो कलेक्ट ही नहीं हो रहा, लो ग्लिच वो थोड़ा सा कूदो अब कलेक्ट, ये अलग ही सीन है भाई, कूदो तब कलेक्ट होता है। तो अभी से जल्दी छोड़ो यार, छोड़ो भाई छोड़ो छोड़ा छोड़ो। लोग एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं आयरन फार्म में, कमांड ब्लॉक आयरन फार्म में चलते हैं। और अभी यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग दो चेस्ट, तोड़ो दो चेस्ट यार को, इसमें भी जो बेफालतू सामान है चलो सब जाओ भाई यहाँ पर। और अभी मैं बाकी चेस्ट में ये सारा सामान रखता हूँ, तो आज के इस एपिसोड ही बस टाइम पास होने वाला है, समझ लो होम टू टाइप ऑफ एपिसोड है ये, मेरा घर है ये माइनक्राफ्ट हाउस होम टू होता है। तो अभी आज हम लोग माइनिंग में चले गए, चलो आज माइनिंग में चलते हैं, आज काफ़ी सारा सामान बनाएंगे हम लोग। तो जल्दी से यार सारा काम करता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले लोग से नेदर, चलो नेदर नहीं नहीं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई शायद से 8 मार्च के बाद 18 मार्च तक वीडियोस ना आए, क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 8 मार्च से, मेरा बर्थडे 17 मार्च का है, और बर्थडे की वजह से नहीं 18 मार्च में मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे, तो उसके बाद से वीडियो आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा एग्जाम के बीच में भी डालने को। तो मिलते हैं सारा काम करते सो गाइस मैंने सारे टूल्स रिपेयर कर लिए। अब देखो ये ग्रास ब्लॉक इतनी तेजी में नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन हाँ एक बार जरूर है। हाँ तो ये देखो ये डर्ट ब्लॉक बहुत ईजी, देखो ये जैसे ग्रास ब्लॉक है तो इतनी तेजी, डर्ट ब्लॉक भाई ये उड़ा उड़ा कर तोड़ता है, गलत शवल है भाई, पर बहुत जल्दी डैमेज होती है इसमें, इसमें अनब्रेकिंग 3 लगानी पड़ेगा यार भाई, बहुत तेज मतलब भाई फुल भाई ओपी है भाई यार। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्या हो सकता है, एफिशिएंसी 3 है इस वजह से कि ग्रास ब्लॉक तेज ना तोड़ पाए। तो हाँ अभी मैंने क्या करना था वैसे, हाँ तो अभी मुझे टूल्स बनाने थे उसके डायमंड के, गलती से आयरन का बना लिया, एक टूल बेफालतू इस पर 14 3 है, एफिशिएंसी 5 4 है सॉरी। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपनी एन्चेंटमेंट टेबल पे, तो चलते हैं अपनी एन्चेंटमेंट टेबल जल्दी से, कुछ सामान है ना मेरे पास, तो टेबल पे चलते हैं जल्दी जल्दी, भाग जा जल्दी जल्दी भाग जल्दी जल्दी भाग।
बाबू भैया जल्दी जल्दी बाबू, इंटरनेट टेबल थी कहाँ मेरी? लॉल जी याद नहीं है भाई, इंटरनेट यही नहीं होंगे ऐसे कैसे बाबू भैया? ओए कितनी हेल्थ के स्कूल में मतलब हार्ट क्या जो तो चिकन साइड में आ रहा हड्डियाँ साइड में हैं क्या नाम ले रहा ये तो है ये लो भैया स्माइट फोर दे दो, मैंने मैट पार्ट्स दे रहा स्माइट फोर दे दो बाबू भैया स्माइट फोर बहुत बढ़िया बाबू भैया एफिशिएंसी टू दे दो बाबू भैया बहुत बढ़िया बाबू भैया एंड कैट्स पे कुछ तगड़ा देना फिल्टर्स दे दो बाबू भैया बहुत बढ़िया भाई फिल्टर्स वाले डायमंड भी एक्स हो गए अपने पास एक बेफालतू की आयरन हो ये भी हम लोग कर लेते हैं चैन पोस्टमैन ब्रेकिंग थ्री लग गया स्पेशल टच लगा दो उसमें प्लीज एफिशिएंसी साथ में लग जाएगी शिट मैन अनब्रेकिंग थ्री टच वन एफिशिएंसी फोर भाई ये अपनी बढ़िया वाली बन गई यार तगड़ी भाई हर किसी में भाई फर्स्ट क्यों दे रहे हो भाई तुम अभी थ्री भाई यार बहुत तगड़ा सही है यार भाई अपना ये तो बहुत तगड़ा हो गया तगड़ी हो गई ओ भाई तो मैं ग्रास ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर सकता हूँ तो यार ये बहुत ही बढ़िया सीन रहा यार और स्माइट फोर मिल गई मुझे स्माइट फोर बहुत अच्छी होती है काफ़ी अच्छी होती है सिल टच सेम थिंग और ये क्या कर बहुत फास्ट है भाई अनब्रेकिंग थ्री भी मिल गया मुझे यार अनब्रेकिंग थ्री अब बस देरी किस बात की है इसको कर दिया कन्वर्ट नेदरराइट में जल्दी से नेदरराइट ले लो पहले नेदरराइट ये कितना चाहिए होगा दस उन्नीस बस तो काफ़ी है गोल्ड दे दो गोल्ड गोल्ड दे दो बाबू भैया लगता है कमान ब्लॉक से गोल्ड फॉर्म भी जल्दी से क्रिएट कर दी चलो करता हूँ तो ये सारा सामान लेके मैं आ गया हूँ बनाते हैं गोल्ड जितना बन पा रहा है अराउंड टू एंड हाफ सेक्स बन चुका है और मेरे को यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल यार वो लाना पड़ेगा थोड़ा सा बोल हाँ कहीं है भी क्या थोड़ा बहुत वुड वुड अब ये क्या है पेड़ डायमंड से काम करो डायमंड बिस्किट ठीक है यार ये भी बुरे नहीं है मतलब अभी ये सही है चार किस्मत में बना ली मैंने कल बटन दबा दिया खाना दूस लो तो जल्दी से इसे ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तीन डॉक्टर खोल लेते हैं इसे कोल में कन्वर्ट करते हैं इसे इधर डालते हैं इसे इधर डालते हैं दो ब्लॉक और लेते हैं कैसे बोल रहा हूँ मैं इसको भी इधर डालते हैं तो अभी जल्दी जल्दी पक जाए पकता कैसे भैया
सेंसी वो लग गई, इसमें सिल टच लग गई भाई, सिल टच से बहुत सारी चीज़ें मतलब टूटती हैं, पिकैक्स बहुत काम आती हैं, पिकैक्स अपने डायमंड की सिल टच वाली है और आयरन की एक्स टच वाली है और स्माइलफाई वाली है, पक जा रहे पक जा रहे ये ज़्यादा पक्का होगा मुझे। हाँ तो इतनी सारी क्राफ्ट टेबल लगा पाई नहीं, बेकार लुक तो बहुत बेकार लुक। हाउ हम लड़के इतना बोले क्या कर रहे हैं। चलो ये पक गया, यो पक गया, हमको यो करना है इंगोट सात इग्नोट्स में अपना काम क्या बोलूं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा आई गेस। हो एनालाइज मेरी टेबल सब लगाई है, ड्राइट कर दे गैस को छोड़ कर दो, कर नहीं होगा आई फॉर दो मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो ये लो इसको इसलिए यूज कर लो। एंजॉयमेंट टेबल चलते हैं अपन ही, अभी चलते हैं अभी टाइम ज़्यादा लगे ही नहीं, जल्दी जल्दी बहुत धीरे से सिलेंगे। 1 2 3 यहाँ रखेंगे, अभी हम लोग चड्डी और चप्पल जूते पहन लेते हैं, मतलब ये हो गया। मैंने बोला था भाई जब तक हम लोग करेंगे तब तक हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ पिक नहीं कर रहा हूँ, ठंडा मैं जहाँ भी हो बहुत फूट हो गए, जल्दी से अभी हम लोग दो इंगोट्स और बनाते हैं, इंगोट्स और बनाते हैं, बना लिए
चेस्ट प्लेट, अरे अरे सॉरी, फुल भाई अपने को प्रोटेक्शन मिल रहा है, रेस्पिरेशन 3 भी होता है ना यार। अब चेस्ट प्लेट, फुल नेदरराइट का सामान सबके साथ हम लोग पधार रहे हैं। क्या कर, सारा सामान अपना एकदम ओपी लेवल का, नेदर क्लियर तो फालतू टाइम नहीं है। अब बहुत लेट हो गया, एक मिनट बस शील्ड बना लो, बस शील्ड बनाने दो। शील्ड बनाने से पहले इसको तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, वन शॉट गया भाई, स्मार्ट भाई मुझे। कौन आया, कौन आया भाई, वो देखा है मेरा, पता है नहीं वो कौन से लेवल का है। चले आते हैं मुंह दिखा के भाई, यार यही काम है। गो मैं एक काम करता हूँ, क्या करना है वैसे, थोड़ा सा लकड़ी बकड़ी तोड़ के आनी है, बकड़ी हाँ भाई। मुझे इसके ना शॉट से डैमेज कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर क्या हुआ नहीं। मेरे जो चड्डियाँ है और बनियान है, चड्डी बनियान है मेरी, वो बेस्ट है क्योंकि उन पर प्रोटेक्शन 4 लगता है, सारे 4 प्रोटेक्शन, फुल लेवल वाला प्रोटेक्शन लगा, 10 प्रोटेक्शन 4 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन जो क्रीपर के लिए बहुत काम है। चाहे क्रीपर से डरने की बात नहीं है, मैं वैसे भी नहीं डरता हूँ क्रीपर से, सही बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मॉब चलाने में बहुत मज़ा आती है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, डूम बना लो किसी काम का आएगा नहीं, अब बना लो बना लो बना लो गाइस। मुझे ना एक्स से सब एक बार बनाएंगे, तू गया तू गया, ऐसा नहीं है। देखो अभी इस एक्स मारूंगा, तीन शॉट, ये एक्स तेरी चलता, ये क्रीपर के लिए तय करनी रहती है, क्रीपर के लिए ये इफेक्ट नहीं करता है, आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं करता है। जो भी है वही क्या करना है यार, भूल जाता हूँ, दो दोस्त अपने पास आयरन है ये बनाया शील्ड, लड़ेंगे मॉब्स बहुत मजा आएंगे, ये मॉब है। अभी हम लोग होस्टल मॉब से लड़ेंगे, होस्टल मॉब अलग है, ये मॉब अलग, तू भी निकल, तू तो निकल भाई, तुम दूरी ही निकलो, बस उससे क्या डर रहा हूँ। थैंक यू, क्या कर लूंगी मार के भाई, कुछ नहीं करना मुझे, आर्मर बता किसका है, कुछ नहीं हो रहा है, हाँ आर्मर देख लो, मार लो और मार लो, पर अगर मैंने एक चला दिया तो कर लूंगी भाई, क्या कर रहा है यार। मुझे आधा मिनट ही मारता ही रहा है, पर इसको मुझे कुछ नहीं कर पाया है क्योंकि भाई प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 ये भी आई गेस नहीं कर पाया, कर पाई मार भाई, रुको इसको मैं हल्का छोड़ दूंगा और मैं इससे एक बार में जाती छाया कुछ नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी मार रहा था, अभी ये जाएगी एक में, हुई हो गए, और
अबे नहीं गई, ये मछली को कहते हैं खाली आई गेस। तो ये निकाल हेड मारो, स्माइट दे स्माइट। एंडर भैया मैं बोट में बैठ जाओ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। आओ और सेफ्टी रीजन शील्ड पहन लो। ए डिस्पॉन हो गया, देखो डरपोक लोग हैं भाई। तो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।